लेकिन एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीति क्या लगाना, ये कहीं कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। वीर कुंवर सिंह तो पूरे देश के लिए लड़े, पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े, लेकिन हम सब गौरवान्वित है कि वो अपने बिहार की इस मिट्टी से इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय झंडे को लेकर एक साथ बिहार के लोग खड़ा हो सकते हैं, ये हम सबों के लिए गौरव की बात है। बीते दिन राजद के तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। बताते चलें कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर शिरकत करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, जिसके बाद कई कयास लगाने शुरू कर दिए गए और ऐसे में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी कई बयान दे दिया। उन्होंने अपने बयान में साफ कह दिया कि आने वाले समय में सत्ता बदल सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कई सियासत जो बातें हो रही थी वो तेज़ हो गई और ऐसे में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस पर तंज कसते हुए कहा है और अपनी टिप्पणी भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इफ्तार पार्टी में शामिल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये और अच्छी बात है और ऐसे में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें राजद। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, पहले आप सुने। देखिए, RJD के लोग क्या बोलते रहते हैं उस पर हम सब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लंबे अरसे से NDA की सरकार चला रहे हैं और बिहार को हम सबों ने बदलने का काम किया है और इफ्तार में शामिल होना कोई, ये तो अच्छी बात है कि सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है, लेकिन एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीति क्या लगाना, ये कहीं कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, खास करके इस तरह के आयोजन में को इस स्वरूप यह स्वरूप देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार हम लोग मनाते हैं, एक दूसरे के यहाँ हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस तरह का कयास नहीं लगा। तैयारी की गई है भव्य समारोह का, कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह तो पूरे देश के लिए लड़े, पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि वो अपने बिहार इस मिट्टी से आए, जहाँ शौर्य और वीरता और शांति भगवान बुद्ध का की भी कर्मभूमि रही, महावीर का जन्म स्थान रहा, बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा यहाँ पैदा लिए, तो ये शौर्य की भूमि रही है और आज इस अवसर पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन और लगभग 75,000 से 1.5 लाख तक अपने बिहार के लोग राष्ट्रीय झंडा लेकर जब एक साथ खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना भी प्रबल होगी और एक यह कीर्तिमान होगा कि बिहार भी इतने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय झंडे को लेकर एक साथ बिहार के लोग खड़ा हो सकते हैं, ये हम सबों के लिए गौरव की बात है और हम सब बिहारवासी इससे गौरवान्वित होंगे। नहीं, हमारे नेता हैं, देखिए हम लोग तो समीक्षा करते ही रहते हैं, इस तरह का जब भी अवसर आता है हम लोग समीक्षा करते हैं। तो आपने बयान में सुना कि तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और चल रही भी थी और ऐसे में कोई अगर ये सोचता है कि सरकार बदल जाएगी तो वो गलत सोच रहा है। इफ्तार पार्टी का आयोजन राजद की तरफ से किया गया था और इसमें शिरकत करने मुख्यमंत्री पहुँचे थे और ये अच्छी चीज़ है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और BJP से भी मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, वो भी पहुँचे थे। इस तरह से अगर कोई अटकलें लगा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार बदल सकते हैं तो ये गलत चीज है और इस तरीके के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दे राजद। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।